भारत में स्थित भगवान श्री कृष्ण की भूमि श्रीधाम वृंदावन युगों से तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इसी पावन भूमि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर यमुना तीर पर स्थित वनों में गोपाल वेश धारण कर अपना अप्राकृत लीला विलास किया था, तथा यही 5000 वर्ष बाद श्री कृष्ण भक्तों ने श्री कृष्ण की उपासना के लिए मंदिरों की स्थापना की। इन्हीं में से एक श्री राधा दामोदर मंदिर में परम पूज्य श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 12 वर्ष तक निवास कर प्राचीन वैदिक शास्त्रों का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद 1965 में अपने गुरुदेव की आज्ञा के पालन के लिए अपने ग्रंथों तथा हरे कृष्ण मंत्र को लेकर श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क नगर पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर उसके आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को श्रीधाम वृंदावन के भक्ति पथ का अनुसरण कर आदर्श कृष्ण भक्ति भावित समाज का व्यावहारिक प्रदर्शन करने वाले भक्त समाज की स्थापना की प्रेरणा दी। पाश्चात्य जगत के लिए ये एक नया सीमांत था, आध्यात्मिक सीमांत। पश्चिमी वर्जीनिया के पर्वतीय प्रदेश में 1000 एकड़ में विस्तृत नव वृंदावन आज अमेरिका के सबसे बड़े धार्मिक जन समुदायों में गिना जाता है। श्रील प्रभुपाद के प्रारंभिक शिष्यों में से एक श्री कीर्तनानंद स्वामी को श्रीधाम नव वृंदावन के निर्माण का विशेष कार्यभार सौंपा गया। कीर्तनानंद स्वामी बताते हैं, मैं यहाँ सर्वप्रथम 1968 में आया। मैं अकेला ही था, एक जीर्ण कुटिया में मेरा निवास था। मुझे स्मरण है, उसकी दीवारों के छिद्रों से बाहर देखा जा सकता था। गर्मी के मौसम में 2-3 भक्त मुझसे आ मिले तथा हमने स्थान का पुनर्निर्माण तथा बगीचे लगाना प्रारंभ किया। पहले सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक भक्त यहाँ रहते थे, अब वो समस्या नहीं है क्योंकि हमारे भक्त अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। मेरे विचार से श्रीधाम नव वृंदावन का विकास सभी के लिए दर्शनीय है। प्रारंभिक परिश्रम के परिणाम अब प्रकट हो रहे हैं। We can come to this holy spot, see his transcendental form, and dance in ecstasy. श्री कृष्ण की कृपा हमें हर दिन प्राप्त होती है। इस पुनीत स्थल पर आकर तथा उनके सच्चिदानंदमय श्री विग्रह का दर्शन प्राप्त कर हम भक्तिभावोन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद की ये भावना थी कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां हम भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत क्रीड़ाओं का लीला विलास के उत्सव का आयोजन कर सकें। मैंने उनसे बहुधा जिज्ञासा की कि आपकी इच्छा में हमें क्या करना चाहिए, और वे कहते हैं, मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम सब सदा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए प्रसन्न रहो। अतः उनके कृपा प्रसाद से उनके अभिप्राय की अनुभूति हमें होने लगी है। मानव जीवन सरल वृत्ति और उच्च विचार के लिए है। यहाँ कृष्ण भक्त अत्यंत सरल जीवन यापन कर रहे हैं।
किंतु भगवान श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र को हम सर्वस्व अर्पण करने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में जो कुछ भी अर्पण किया जाए वो थोड़ा ही होगा। श्री धाम नव वृंदावन समाज के केंद्र हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के प्रीत्यर्थ कृष्ण भक्त भूमि में बीज रोपण तथा कटाई में विशेष परिश्रम करते हैं। वसंत ऋतु में अन्य अनाजों का भूमि में आरोपण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समस्त जीव अन्न पर आश्रित हैं, अतः शरद ऋतु में सभी भक्त धान्य की कटाई में सहयोग देते हैं। वर्ष भर में कृष्ण भक्त 350 टन गेहूं, जौ, कॉम्फ्रे और अल्फाल्फा एकत्र कर लेते हैं, जो उनकी तथा गोधन की आवश्यकता से अधिक है। अनेक मील यात्रा कर कार्य करने के अनंतर कुछ धन कमाकर कृत्रिम जीवन स्तर बनाए रखने के स्थान पर ये भक्त इस भगवत परायण तथा आत्मनिर्भर भक्त समाज में रहना श्रेष्ठ समझते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं तथा उन्हीं के लिए श्रम किया जाता है। इस अन्न को पीसकर आगामी शीतकाल के लिए 3 भंडारों में इकट्ठा किया जाता है। सेब, नाशपाती, अंगूर तथा अन्य फल जंगली रूप से श्रीधाम नव वृंदावन में सर्वत्र उगते हैं। भक्तों का अनुभव है कि अन्न, फल, शाक तथा दूध उनकी संपूर्ण आर्थिक समस्या का अत्यंत सरलतापूर्वक समाधान कर देते हैं। अतः सरल जीवन और उच्च विचार ही नव वृंदावन धाम का आदर्श है। श्री कीर्तनानंद स्वामी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, कृष्ण मीन्स फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हैप्पी, टू बी सेल्फ-सफिशिएंट। हमारे लिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम प्रसन्न रहें तथा आत्मनिर्भर बने। अतः श्री कृष्ण के अभिप्राय के अनुसार केवल प्रकृति की प्रचुरता को स्वीकार करते हुए इस प्रकार जीवन बिताना हमें अपने आप आनंदित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण पर तथा भूमि, गोधन और परिश्रम के रूप में उन्होंने जो प्राकृतिक व्यवस्था की है उस पर निर्भर रहकर सफलता पाना हमारे लिए निश्चित है। श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक आनंदमय जीवन के लिए प्रत्येक आवश्यक सामग्री प्रदान की है। कृतज्ञतावश कृष्ण भक्त धरती की उदारता के उपहार श्री कृष्ण को पुनः समर्पित कर उनके दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं। नव वृंदावन धाम
तथा विश्वव्यापी अन्य कृष्ण भावनामय केंद्रों में श्रील प्रभुपाद ने तरुण भक्तों के लिए गुरुकुलों की स्थापना की है। बालक अन्य आवश्यक विषयों के साथ संस्कृत और वैदिक शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जड़ और चेतन, नाशवान और नित्य में भेद का ज्ञान राजविद्या है। अतः श्रील प्रभुपाद की इच्छा है कि प्राकृत विषयों के अध्ययन के साथ ही ये बालक बालिकाएं भगवत प्रेम की शिक्षा भी ग्रहण करें। When Lord Krishna went ahead to a distant place in order to see some specific यहाँ छोटे छोटे कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की कथा का श्रवण कर रहे हैं। Some of them played on their flutes. Let's hear the cowherd dwarf's flutes. While the birds were flying in the sky, who could imitate the birds flying in the sky? Oh, the birds flew very beautifully like this. नव वृंदावन के वनों में बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अभिनय करते हैं। श्री कृष्ण तथा उनके सखाओं ने यमुना तीर पर मेंढकों के समान शब्द कर और कूद कूद कर परिहास किया तथा नृत्य और परस्पर मल्ल युद्ध का आस्वादन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने साथ क्रीड़ा में संलग्न गोप बालकों तथा गोवत्सों को पूर्ण अप्राकृत आनंद प्रदान किया। पुण्य कर्मों की विपुल राशि का उपार्जन करने के बाद ही इन बालकों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हुआ था। वृंदावन वासियों के परम सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? गोप बालक नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु फिर भी वे अंतरंग सखाओं के रूप में उनके लिए प्रगाढ़ प्रेम सहित श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इस प्रकार अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने कुसुम वृक्ष और गोचारण भूमि से परिपूर्ण श्रीधाम वृंदावन के सुरम्य वातावरण का आस्वादन किया। श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त वृक्ष फलों के भार से झुके हुए हैं और उनकी नूतन शाखाएं भूमि को छूकर मानो उनके चरणारविंद के स्पर्श द्वारा उनका स्वागत कर रही हैं। श्री कृष्ण द्वारा परिपालित गायों के विविध नाम थे तथा श्री कृष्ण उन्हें प्रेम पूर्वक संबोधित करते। श्री श्याम सुंदर के आवाहन पर वे अविलंब स्नेह पूर्वक उनके निकट आ जाती। आह्लाद के कारण वे रमा रमा कर उत्तर देती तथा उनके स्तनों से दूध की धारा प्रवाहित होने लगती थी। नूतन तृणों के भक्षण से परिपुष्ट गायों के स्तन दुग्धामृत से पूर्ण थे। श्री कृष्ण के दर्शन से वे आनंदित हुई तथा उनके दर्शन से श्री कृष्ण भी आह्लादित हुए। श्री नव वृंदावन का भक्त समाज व्यावहारिक रूप में सारे संसार के सामने वृंदावन में श्री कृष्ण के निवास के समान जीवन बिताकर कृष्ण भावनामय होने की विधि प्रस्तुत कर रहा है। भक्त ग्वाले दिन में 2 बार पर्वतों पर चढ़कर दूध दोहन के लिए गोधन का आह्वान करते हैं। जय जय माधव दैत्य परंपरा के अनुसार गाय शांति और धर्म की प्रतीक मानी जाती है। परमेश्वर की व्यवस्था के फलस्वरूप वो हमारे लिए अनुपयोगी तृण खाकर परम अद्भुत तथा सर्वाधिक संपन्न भोजन दूध प्रदान करती है। मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में स्फूर्ति और शक्ति देने में गाय का दूध पूर्ण समर्थ है।
कृष्ण भावनामय दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर के लिए निरपराध पशुओं का वध करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी क्रूरता उसके सूक्ष्म भावों तथा दयामय गुणों का विनाश कर देती है। गोधन संरक्षण से प्राप्त सुख का ज्ञान भले ही लोगों को न हो, किंतु प्रकृति के नियमानुसार वह अकाट्य सत्य है। गोधन में निरंतर वृद्धि भी होती रहती है। गाय बछड़े के बिना दूध नहीं देती। यहाँ एक ग्वाल भक्त अंबिका गाय को वत्स प्रजनन में सहायता दे रहा है। अगर वो नहीं होता तो गाय के लिए ये एक दीर्घ तथा कष्टपूर्ण कार्य होता। वो स्वस्थ बछड़ा एक बैल बना और उसका नाम गोविंद रखा गया। एक वर्ष के भीतर ही गोविंद तथा अन्य तरुण बैलों को भूमि जोतने की शिक्षा दी जाएगी। नॉटिंघम विश्वविद्यालय के कृषि विद्यालय द्वारा संचालित हाल के एक निरीक्षण के अनुसार ग्वालों के स्नेहपूर्ण व्यवहार का उत्तर गायें अन्य गायों की अपेक्षा अधिक दूध देकर देती हैं। श्री नव वृंदावन धाम में प्रत्येक गाय तथा बछड़े पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। नव वृंदावन के गोधन की गणना पश्चिमी वर्जीनिया की सर्वोत्तम गायों में है। वहां के गोधन में ब्राउन स्विस, जर्सी, होल्स्टेन तथा गर्नसे नामक गायें सम्मिलित हैं। प्रत्येक गाय से प्राप्त दूध का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। अंबिका एक दिन में 12 गैलन तक दूध दे सकती है। गाय का दूध चमत्कारी पदार्थ है। श्री कृष्ण भक्तिभावित बनने में सहायक, बुद्धि के सूक्ष्म तंतुओं के पोषण के लिए अनिवार्य समस्त प्रोटीन और विटामिन इसमें समाविष्ट रहते हैं। कृष्ण भक्त के भोजन का तो प्रधान आधार ही है। दूध का मंथन कर कृष्ण भक्त मक्खन बनाते हैं तथा विविध मिष्ठान्नों का निर्माण करते हैं। मक्खन को उबालकर विशुद्ध करने से घी बनता है। गेहूं की इन पूरियों की भांति घी में अनेक पदार्थ बनाए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को प्राचीन वैदिक भोजन बनाने की शिक्षा प्रदान की है। समस्त भोज्य पदार्थ पूर्णतः निरामिष होते हैं। मांस, मछली और अंडों का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। इनके स्थान पर कृष्ण भक्त दूध, चीनी, सब्जी, अन्न और फलों से भात, भरत, समोसा, मीठे चावल, लड्डू, कुल्फी, फलों का सलाद आदि अनेक स्वादिष्ट तथा तृप्तिदायक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। यहाँ कीर्तनानंद स्वामी सेब की चटनी बना रहे हैं। भोजन की तमाम सामग्री ताजी और शुद्ध होती है। किसी भी कृत्रिम पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। भोजन के प्रत्येक पदार्थ का अंश विशिष्ट थाली में सावधानी से रखकर पुजारी भक्तिभाव और प्रार्थना सहित श्री कृष्ण के प्रति उन्हें समर्पित करते हैं। इस अर्पण के बाद भोजन को प्रसाद कहा जाता है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण की विशिष्ट कृपा। हरे कृष्ण आंदोलन के अन्य सभी मंदिरों की भांति श्री धाम नव वृंदावन में भी प्रत्येक रविवार को प्रीति भोजन का आयोजन होता है, जिसमें अतिथियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण के बाद जलाशय में स्नान से अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा। अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों के अनुसार कृष्ण भक्त श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण के लिए अपनी इच्छानुसार कुछ भी सेवा की जा सकती है। भक्त श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के लिए पुष्प चयन करते हैं, वस्त्र बुनते हैं तथा मुकुट और माला आदि बनाते हैं।
बैलों की सहायता से वे जंगली भूमि को कृषि और निर्माण के लिए साफ करते हैं। लकड़ी शीत ऋतु में जलाने के काम आती है। भगवत परायण ग्राम संबंधी अपने गुरुदेव के स्वप्न की पूर्ति के लिए उत्सुक कृष्ण भक्त नव वृंदावन धाम की सुरम्य चोटियों को विभूषित करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इस पावन भूमि के सभी भागों से मंदिरों की मंगलमयी शंख ध्वनि सुनाई देगी। इन मंदिरों के श्रृंगार के लिए भक्त लकड़ी की नक्काशी, कांच चित्रण, चांदी का पानी चढ़ाना, वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगमरमर तराशना और गृह निर्माण की कलाओं में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं। गृहस्थ भक्त वन में सुखदायक कुटिया बना सकते हैं। श्रीधाम नव वृंदावन के लगभग आधे निवासी गृहस्थ हैं। विवाह से पूर्व श्री कृष्ण भक्त सुदृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, दंभ तथा कलह से मुक्त इस भगवत परायण वातावरण में कोई भी मनुष्य अपने परिवार, एक एकड़ भूमि और एक गाय के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। हमें शराब की दुकानों, जुआ घरों, कसाई खानों तथा वेश्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। श्री कृष्ण को घर का केंद्र बनाकर सरलता पूर्वक रहने से ही पति पत्नी तथा बच्चे भी सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना ही श्रीधाम नव वृंदावन का मुख्य लक्ष्य है। Everything belongs to Krishna. Nothing is ours. श्री कीर्तनानंद स्वामी कहते हैं, सभी कुछ श्री कृष्ण का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं। एक बार मंदिर में पधार कर श्री कृष्ण की माधुरी का दर्शन कीजिए। श्री कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति और त्यागमय है तथा श्री कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण करते हुए हमें इस सत्य की अनुभूति होती है।